ये गैलेंस डिशवॉशर में अगर हम जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उस जगह पे पानी की हार्डनेस जो है ज़्यादा है या कम है या मीडियम लेवल पे है, तो यहाँ पे हम मशीन में जो ये गैलेंस का डिशवॉशर मशीन है इसके अंदर हम उस लेवल को भी चेंज कर सकते हैं जिस तरीके का हार्डनेस का लेवल है। तो अगर पानी की हार्डनेस की बात करें तो उसमें तीन कैटेगरीज होंगी, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड वाटर, यानी कि उसकी कैटेगरी के हिसाब से होगा किस लेवल का हार्डनेस है। तो इस मशीन के अंदर हम उसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं जिस तरीके का हार्डनेस अगर हमें मिलता है। लेकिन इस मशीन में अभी डिफॉल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हमें इसमें भी H4 मिलेगा जो मीडियम फैक्ट्री सेटिंग किया होता है। तो हमें उसे चेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद ये डिले बटन को प्रेस करेंगे और डिले बटन प्रेस करते ही प्रोग्राम बटन प्रेस करेंगे और दबा के रखेंगे। जैसे दबा के रखा आप छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए H4 आ गया। H4 जो है फैक्ट्री रीसेट, जो फैक्ट्री सेटिंग होती है वो है। अब मुझे इसको चेंज करना है, इसके अगर लेवल को हमें चेंज करना है तो अभी ये मीडियम लेवल पे है H4। यहाँ पे मैं डिले प्रेस करूँगा। H5 हार्ड हो गया, H6 थोड़ा और हार्ड वाटर के लिए हो गया और H7 मैक्सिमम हार्ड पानी के लिए हो गया। उसके बाद वापिस जाएंगे 0। H0 का मतलब हो गया सॉफ्ट, यानी कि हार्डनेस कम है। उसके बाद हो गया H1 सॉफ्ट, H2 मीडियम हार्ड और H3 मीडियम हार्ड और H4 मीडियम हार्डनेस, मतलब पानी की जो हार्डनेस है वो मीडियम लेवल पे है। तो जब भी कंपनी मशीन को इंस्टॉल करेगी सिस्टम में हार्डनेस, तो ये H4 पे ही करेगी। और अगर हमें कस्टमर के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पानी ज़्यादा हार्ड है तो उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको सेट करेंगे तो जो हम करते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सॉल्ट अगर इस लेवल को हम चेंज करते हैं तो सॉल्ट की कंजप्शन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर मेरा घर में पानी का सप्लाई में हार्डनेस ज़्यादा है तो मैं इसको चेंज करूँगा जैसा लेवल रहेगा। अगर हम लेवल की बात करें तो पानी के हार्डनेस के हिसाब से इसको वेरी कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं या सेटिंग को ऐसे ही रहने देना चाहते हैं, अगर आप सेट कर लेते हैं उसके बाद प्रोग्राम के बटन को दबा के रखना है। तो जो आपने सेटिंग्स की हैं, जैसे हम इसको कर लेते हैं 5 और इसको दबा के रखेंगे तो ये इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो हमने इसमें हार्डनेस वाला सेटिंग किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया और हमारा जो वाटर लेवल का हार्डनेस है वो हमने इस मशीन में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम पानी की हार्डनेस के हिसाब से इस मशीन के अंदर भी उस लेवल को बदल सकते हैं। थैंक यू। ये ग्लैंस का डिशवॉशर है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। तो इसका मॉडल नंबर है W60B1A401J-AE5। तो इस डिशवॉशर में क्या क्या फीचर्स हैं, डिस्प्ले पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम इनकी जो बटन्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पावर बटन है, ये प्रोग्राम के बटन के लिए है। ये डिले बटन है, इन दोनों को प्रेस की करेंगे तो चाइल्ड लॉक के लिए काम करेगा। और सिंगल ये बटन प्रेस करेंगे 3-in-1 तो ये 3-in-1 टैबलेट के लिए काम करेगा। जो इसमें टैबलेट डालेंगे हम लोग जो डिटर्जेंट के लिए आती है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद ये स्टार्ट एंड पॉज बटन। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे पावर बटन से। अभी मैंने पावर बटन से ऑन किया। जब भी मशीन पहली बार ऑन करेंगे तो ये इको मोड में ही स्टार्ट होती है। तो 1 by 1 हम इस सारे कीज के बारे में समझेंगे पहले, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इसको शुरू से लगाएंगे। तो अभी जो पहला प्रोग्राम आया वो इंटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें हमारा 60 डिग्री तक पानी गर्म होगा मशीन में, 60 डिग्री तक। और इसमें कंडीशन ये है कि जिसमें ज़्यादा ऑयली, चिकने या बहुत ज़्यादा गंदे यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनको वॉश करने के लिए इंटेंसिव मोड को लगाना चाहिए कस्टमर।
उसके बाद सेकेंड है जो इको मोड है। इको मोड के अंदर क्या रहेगा, इसमें पानी और बिजली की बचत करेगा, क्योंकि इसमें रिंस जो है वो एक बार हो जाएगा, जो इंटेंसिव में 2 बार था उसमें 1 बार होगा, तो उससे हमारा पानी और बिजली का बचत होगा। इसमें सामान्य रूप से गंदे जैसे बर्तन, प्लेट, गिलास, हल्के गंदे पैन्स के लिए इको साइकिल यूज होगा। और इसका जो वॉश का टेम्परेचर रहेगा वो 46 डिग्री रहेगा, यानी कि पानी जो है 46 डिग्री तक गर्म। उसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट जो है वो लाइट, एक प्लेट का निशान बना हुआ, कप प्लेट का, इसको बोलेंगे नाजुक बर्तन, मतलब डेलिकेट यूटेंसिल। ऐसे बर्तन जिनको ज्यादा गर्म पानी में नहीं धोया जा सकता, उसको धोने के लिए ये यूज करना है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें अधिक नाजुक यूटेंसिल, लाइट वाले या तो लाइट जिसमें बोलते हैं बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं ग्लासेस, और उनको ज्यादा गर्म पानी में नहीं धोया जाता, तो उसको इसमें वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा गंदे नहीं होने चाहिए। तो इसमें 45 डिग्री तक पानी गर्म। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 1 घंटे का डिले, सॉरी 1 घंटे का टाइमिंग है पूरा साइकिल का, जिसको बोलेंगे 1 घंटे का वॉश साइकिल, जिसमें मशीन पूरा 1 घंटा लेगी जिसको कंप्लीट करने में। तो इसमें क्या रहेगा, इस 1 घंटे के वॉश साइकिल में कम गंदे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फंक्शन में प्लेट्स, पैन्स धोने के लिए आएगा, ग्लासेस वगैरह जो ज्यादा। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है वो रैपिड वॉश है, यानी कि जल्दी होने वाला प्रोसेस है। इस रैपिड वॉश में जल्दी होगा तो इसलिए इसमें कम गंदे होने चाहिए बर्तन, जो ज्यादा गंदे नहीं है, और पानी जो है 40 डिग्री तक ही गर्म होगा वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है इसमें, उसका मतलब है प्री रिंस फंक्शन। यह उन बर्तनों को धोने के लिए जिन्हें आप बाद में धोना चाहते हैं, लेकिन आप उसको एक बार रिंस करना चाहते हैं कि वो रिंस हो जाए, फिर उसको आप कभी भी कुछ टाइम के बाद जब आपको धोने की जरूरत है तब आप उसको धोएंगे। तो इसीलिए इसको करना होता है प्री रिंस, कि आप वॉशिंग को उसी टाइम नहीं करना चाहते, बर्तनों को बाद में करना चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ प्री वॉश होगा 11 मिनट के आसपास। इसका लास्ट ऑप्शन था, इसका लास्ट प्रोग्राम था जो मैंने बताया। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट सिंबल देख रहे हैं, ये जब वॉशिंग शुरू होगी इसमें कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद, तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि ये मशीन जो है वॉश प्रोसेस में काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में जो सेकंड रो में दिया हुआ, ये है ड्राई वाला फंक्शन, यानी कि ड्राइंग अगर चल रही है मशीन में तो ये लाइट ऑन होगी। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट में जो टैबलेट का एक सिंबल है, यानी कि अगर आपने इसमें टैबलेट यूज किया, ये जो टैबलेट इसमें आएगा इसको यूज करना है, 3-in-1 टैबलेट बोलते हैं इसको, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये सिंबल आएगा। और अगर आपने इसमें चाइल्ड लॉक ऑप्शन लगाया तो ये लाइट ऑन हो जाएगी जो बीच में आप देख रहे हैं। और ये है रिंस एड के लिए, यानी कि इसमें आपने रिंस एड यूज किया हुआ है। और ये जो है सॉल्ट के लिए, जो इसमें डिश वॉशर में सॉल्ट हम डालते हैं, तो ये जो लाइट है ये जलेगी। अगर इसमें सॉल्ट नहीं रहेगा या खत्म होने वाला होगा तो यहाँ पे डिवीजन आएगा। तो अभी ये लाइट ऑलरेडी डिफॉल्ट में ऑन ही है, अभी हम इसमें ऐड नहीं किया, अभी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंबल जो है वो बता रहा है कि ये लाइट जो है सॉल्ट की है और ये रिंस एड की है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन में लगाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मशीन को ऑन करने से पहले ये इसका जो है डिटर्जेंट डालने के लिए बनाया हुआ है, डोर में ही है ये, इसको मैं नीचे लॉक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक टैबलेट यूज किया हुआ। इस टैबलेट से फायदा क्या है कि इसमें सॉल्ट, रिंस एड और कई चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल एक ही टैबलेट और ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैबलेट जो हम यूज कर रहे हैं फॉर्च्यून का, 5-in-1 एक्शन, और इसमें 30 के अराउंड टैबलेट है जो हम 30 बार यूज कर सकते हैं, 30 बार यूज हो जाएगी। और इसको डालने से फायदा ये रहता है कि इसमें आपको डिटर्जेंट मिलता है, रिंस एड मिलता है, सॉल्ट मिलता है, बाकी शाइनिंग के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो भी चीजें इसमें इंक्लूड की हुई है।
तो ये टैबलेट एक बार यूज करने से आपको काफी चीजें डालने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसको टैबलेट को यहाँ पे डालना है, ये देखेंगे, ये मैंने इसको ओपन करके यहाँ डाला हुआ है। इसके बाद इस पॉकेट को बंद करना है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, ये इसको मैं ओपन करता हूँ एंटी क्लॉक करके। ये कवर मैंने हटाया, इसके साथ ये फनल आएगा जो सॉल्ट डालने के लिए यूज होता है। जैसे आप सॉल्ट अगर डालना चाहते हैं इसमें, तो ये फनल इसके ऊपर रखेंगे। ये इसका सॉल्ट है, मार्केट में अवेलेबल है ये, और ये सब कस्टमर को पहले से परचेज करना होगा या कस्टमर परचेज कर सकता है। कस्टमर ये प्रोडक्ट के साथ नहीं आएगा, एडिशनल कस्टमर को लगा तो आप वापस लगाएंगे। ये मैंने क्लॉकवाइज करके टाइट कर दिए। ये इजीली घूमना चाहिए इसका स्प्रे आर्म, ये दो साइड में है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये यूटेंसिल रखने का जो प्लेट्स वगैरह रखने का यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है डिजाइन। तो इस तरीके से आप प्लेट को यहाँ पे रखेंगे साइज के हिसाब से। देखेंगे यहाँ पे छोटा साइज है और ये हमने बड़ा साइज लगाया। ये इसका अपर रैक है जो ऊपर में लगा हुआ है। इसमें इसका हाइट ऊपर नीचे किया जा सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये लॉक देख रहे हैं यहाँ पे, इस लॉक को मैं इधर से रिमूव करूंगा और इधर से, और ये जो रैक है पूरा बाहर आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूँ अगर मुझे इस जगह पे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये रैक जो है ये नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे रोलर लगा हुआ है, ये जो रोलर देख रहे हैं दो रोलर है। तो ये इस वाले स्लॉट में आप एंटर करेंगे तो ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसका हाइट जो है हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसको हाइट बढ़ा रहा हुआ है, ऊपर लगा रखा है, तो इसका हाइट ज्यादा है। और उसके बाद ये लॉक को वापस बंद कर देंगे। उधर से भी करेंगे हम, यहाँ से इसको बंद करेंगे। तो ये हो गया हमारा अपर रैक। उसके बाद लास्ट में जो है ऊपर में कुछ ऐसा सामान है जो छोटा साइज का रहता है, उसको इधर वॉश करने के लिए आप लगा सकते हैं। जैसे स्पून अगर आपको रखना है तो इस तरीके से स्पून रख सकते हैं। आपने इसको उल्टा नहीं रखना है, सारे स्पून्स को इस तरीके से रखेंगे कटलरीज वगैरह को, जिससे कि उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहे, पानी जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसको वॉश कर पाए। तो ये रहेगा उसके लिए। इस तरीके से आपको अलाइन करना बर्तनों को जिस तरीके से यहाँ पे रैक दिए हुए हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि जो ये स्प्रे आर्म देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ये घूमता है, ये इसके बीच में कोई चीज फंसनी नहीं चाहिए, यानी कि कोई आपने स्पून या कुछ ऐसी चीज जो नीचे तक चली गई है और ये आर्म को घूमने नहीं देंगे। देखिए घूम रही है, तो ये फ्रीली घूमना चाहिए। सेम इसके नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये भी नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पे आर्म्स जो है, ये भी पूरी तरह से घूमना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब इस तरीके का आप सब चेक कर लेते हैं उसके बाद आप इस डोर को बंद करेंगे और पावर ऑन करेंगे। और यहाँ पे मैंने टैबलेट यूज किया है तो उसको मैंने कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पहले मैं प्रोग्राम लगाऊंगा, तो मैं इंटेंसिव लगाऊंगा। यहाँ पे इंटेंसिव मोड लगाया मैंने क्योंकि मेरे बर्तन जो है ज्यादा गंदे हैं। अब मुझे ये टैबलेट को भी सिलेक्ट करना है क्योंकि मैंने इसमें ना रिंस एड डाला है और ना मैंने डिटर्जेंट डाला है ना साल्ट डाला है। तो मैं ये 3-in-1 बटन से इससे टैबलेट सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जो है टैबलेट स्टार्ट सेलेक्ट हो गया, फिर मैं इसके बाद स्टार्ट दबा दूंगा। जैसे मैं स्टार्ट दबाऊंगा ये मशीन जो है उस साइकिल में स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें एक और फंक्शन है, लास्ट फंक्शन जो है डिले फंक्शन, यानी कि मैं डिले कर सकता हूँ इस मशीन को जितनी देर का मुझे डिले करना है। तो यहाँ पे मैं डिले प्रेस करता हूँ, 1 घंटे का डिले, 2 घंटे का, तो मैंने 6 घंटे का डिले लगाना है मान लीजिए, तो 6 घंटे का डिले लगा के मैं स्टार्ट कर दूंगा। जैसे स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, मशीन 6 घंटे के बाद ही ऑन होगी और 6 घंटे तक ये कुछ नहीं करेगी। तो अगर मैंने 12 बजे लगाया रात को तो सुबह 6 बजे ये मशीन जो है स्टार्ट हो जाएगी अपने आप।